हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही मेरे प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 1100 करोड़ रुपीज एट सोलापुर इन महाराष्ट्र। रेफरिंग टू द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा, पीएम मोदी डिस्क्राइब्ड इट एज ए लैंडमार्क मोमेंट इन द नेशंस हिस्ट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 1100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। पीएम ने लोकसभा में संविधान 124वां संशोधन विधेयक के पारित होने का उल्लेख करते हुए इसे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट, द 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019 टू अवार्ड 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाज पास्ड विद ए मेजोरिटी इन राज्यसभा। इट वाज ऑलरेडी पास्ड इन लोकसभा। द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल हैज पास्ड द राज्यसभा टेस्ट विद 165 यस एंड 7 नो वोट्स। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में बहुमत के साथ पारित किया गया। यह पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका था। संविधान 124वां संशोधन विधेयक 165 हां और 7 नहीं मतों के साथ राज्यसभा में पारित हुआ। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट लॉन्चेज वेब वाउंडर वुमेन कैंपेन टू सेलिब्रेट द एक्सेप्शनल अचीवमेंट ऑफ वुमेन हु हैव इन्फ्लुएंस्ड एंड इम्पैक्टेड सोसाइटी थ्रू सोशल मीडिया। सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को प्रभावित करने वाली महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए वेब वंडर वुमेन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, आइसलैंड इन अंडमान विल सून बी कनेक्टेड बाई सी प्लेन्स दैट कैन लैंड ऑन और टेक ऑफ फ्रॉम द वाटर। टू फैसिलिटेट द सेम द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फ्लाइट ऑपरेशंस ऑन 13 वाटर एरोड्रम रूट अंडर द उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार अंडमान में द्वीप जल्द ही उन हवाई अड्डों से जुड़े जाएंगे जो पानी पर उतर या टेक ऑफ कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए सरकार ने उड़े देश का हर नागरिक उड़ान योजना के तहत 13 जल हवाई मार्गों पर उड़ान संचालन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, द पोलवा राम प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बाई बोरिंग 32,100 क्यूबिक मीटर ऑफ कंसनट्रेट इन ए मैटर ऑफ 24 आवर्स। आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना ने 24 घंटे के भीतर 32,100 घन मीटर कंक्रीट डालकर
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में प्रवेश किया है। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी हैज अप्रूव्ड ए लिस्ट ऑफ जर्नल्स इन दैट द यूजीसी हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च इथिक्स केयर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने पत्रिकाओं की एक सूची को मंजूरी दे दी है जिसमें यूजीसी ने अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए एक कंसोर्टियम केयर स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज कंस्टिट्यूटेड ए रिसर्च एडवाइजरी कमेटी विच विल असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी टू अंडरटेक रिसर्च रिलीवेंट फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स। बाजार नियामक भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड सेबी ने एक अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया है जो पूंजी बाजार के विकास और नियमन के लिए अनुसंधान को प्रासंगिक बनाने के लिए नीति बनाने में सहायता करेगी। नेक्स्ट, द फर्स्ट नेशनल कंसल्टेशन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन फॉर 2019 वाज हेल्ड एट इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में 2019 के लिए बाल संरक्षण पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। नेक्स्ट, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE एंड द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD साइंड एन MOU किक स्टार्टिंग कॉपरेशन इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD ने ऊर्जा दक्षता निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। श्रीलंका सेंट्रल बैंक अनाउंस्ड दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज एग्रीड टू प्रोवाइड $400 million अंडर ए स्वैप एग्रीमेंट टू बूस्ट द आइसलैंड नेशंस रिजर्व। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने घोषणा की है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने द्वीप राष्ट्र के भंडार को बढ़ावा देने के लिए स्वैप व्यवस्था के तहत $400 million देने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट, बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया हैज अलाउड एन ईरानियन बैंक पसरगढ़ बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन मुंबई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत ने एक ईरानी बैंक पसरगढ़ बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द रेलवेज सब्सिडियरी विल ऑफर इंश्योरेंस ऑफ अप टू 50 lakh rupees फॉर फी फॉर एयर पैसेंजर्स हु बुक दियर टिकट थ्रू इट्स पोर्टल। IRCTC हैज टाइड अप विद भारती एक्सा फॉर द ऑफर। रेलवे की सहायक कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC उन हवाई यात्रों के लिए 50 lakh rupees तक का बीमा मुफ्त देगी जो कि उनके पोर्टल के माध्यम से अपने टिकट बुक करते हैं। IRCTC ने ऑफर के लिए भारती एक्सा के साथ करार किया है। नेक्स्ट, रैंकिंग रिपोर्ट। ए रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टेट दैट इंडिया इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बिहाइंड ओनली US एंड चाइना बाय 2030। द रिपोर्ट वाज टाइटल एज फ्यूचर ऑफ कंजप्शन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट को फ्यूचर ऑफ कंजम्पशन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया नाम दिया गया है। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स किताब एवं लेखक नोबल पीस प्राइज विनर एंड पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई पेंस ए न्यू बुक टाइटल We Are Displaced माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड चार्टिंग हर एक्सपीरियंस ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एंड विजिटिंग रिफ्यूजीज कैंप्स।
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। इसमें वह अपने अनुभवों को दुनिया भर की यात्रा करने और शरणार्थी शिविरों के दौरों का अभिलेख करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज अवार्ड्स पुरस्कार लिवरपूल्स मोहम्मद सलाह हैज़ बीन नेम्ड एज द 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर। लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपकी करंट अफेयर से सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हो तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट करें। यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और रन अकेडमी पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।